students today we start to discuss a new lesson and the name of the lesson is halves and quarters halves and quarters what is the meaning of halves and quarters halves is a plural its singular is half h a l f h a l f half इट्स सिंगुलर इज हाफ सो इट बिकम्स हाल्स एंड क्वार्टर बिकम्स वन फोर्थ हॉल्स मीन्स हाफ क्वार्टर मीन्स वन फोर्थ ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर हाफ ऑफ ईच ऑफ द गिवन फिगर्स कलर वन बाय टू भी आप पढ़ सकते हैं इसको बच्चों हाफ भी पढ़ सकते हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ जो हाफ का मतलब क्या होता है तो नीचे दिए जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो है टू न्यूमरेटर वो है वन तर जो डिनोमिनेटर में दो पार्ट हैं दो में से एक को कलर करना है याद रखिएगा टोटल दो पार्ट हैं दो में से एक को कलर करना है अगर टोटल चार हो जाते तो चार में से दो कलर करना है मतलब जितने हैं उसमें से आधे कलर करना है देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है ट्रायंगल के दो पार्ट हैं आधे को हमने कलर कर दिया ये एक पार्ट है दिस वन इज अनदर पार्ट वन सो आउट ऑफ दैट टू पार्ट्स वी हैव मेक कलर दिस पार्ट वन आई हैव ड्रॉ द लाइन्स यू कैन यूज अ स्केच पेन You can use the crayon pen to color the half part. So, there are two, out of that two, you have to color one part. So, one by two means out of two, color one part. Here also, same, there are two parts one part, first part, second part, one part, two part. Out of that two, you have to color one. So, I have color one part by green and another part is empty okay now come to the next example one so you can understand in the third example count the number of circles here 1 two, three, 4 five, 6 and what i said to uh, what i told you that out of 2 कलर वन आउट ऑफ टू कलर वन सो टेक वन ये ये दोनों में से हमने एको कलर किया इन दोनों में से हमने एको कलर किया इन दोनों में से हमने एको कलर किया दो में से एक कलर हाफ हाफ का मतलब होता है डिनोमिनेटर है टू न्यूमरेटर है वन सो दो में से एक ये दो थे एको कलर किया दो थे एको कलर किया ये दो थे You can use any color, pencil color, crayon colors, water colors, whatever the colors you have, you can use it. If you don't have a color, use the pencil to shade it. Use the pencil to shade it. Okay. Now, fourth example. Here is same one. Out of two, I have colored one. आउट ऑफ टू आई हैव कलर्ड वन सो दो में से एक को कलर करना है मन में पक्का बैठा रहिएगा हाफ का मतलब होता है दो में से एक हाफ का मतलब होता है दो में से एक नेक्स्ट कलर वन बाय फोर वन फोर्थ भी इसको कहते हैं वन बाय फोर भी कहते हैं क्वार्टर भी कहते हैं आपने घड़ी में देखा होगा क्वार्टर पास सिक्स क्वार्टर टू सिक्स तो क्वार्टर का मतलब होता है वन फोर्थ यू कैन रीड इट एज वन फोर्थ वन बाय फोर और क्वार्टर ईच ऑफ द गिवन फिगर जैसे मैंने पहले बताया था हमने हाफ में मैंने बताया था आपको दो में से एक यहाँ वही फॉर्मूला है वन बाय फोर का मतलब होता है चार में से एक कलर तो हमें करना है चार में से एक वन बाय फोर मतलब चार में से एक नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स हियर हेयर इज अ सर्कल सर्कल इज डिवाइड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स सर्कल इज डिवाइड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स सो आउट ऑफ दैट हमें अभी बताया था हमने कि एक दो तीन और चार देर आर फोर पार्ट्स आउट ऑफ दैट फोर पार्ट्स यू हैव टू कलर वन

थ्री बाई फोर मतलब चार में से तीन पहले हमने पढ़ा था वन बाय टू दो में से एक फिर पढ़ा था वन बाय फोर चार में से एक फिर पढ़ा है थ्री बाय फोर चार में से तीन बहुत सिंपल है आउट ऑफ फोर यू हैव टू कलर थ्री आउट ऑफ फोर यू हैव टू कलर थ्री लेट अस सी सम एग्जांपल्स यस दिस इज अ ट्रायंगल इट इज़ ड्रॉन्ए सच अ वे दैट ट्राइंगल हैज अ फोर इक्वल पार्ट्स सो चार में से हमें तीन करने थे आउट ऑफ फोर यू हैव टू कलर थ्री सो आई ड्रॉ द कलर थ्री यू कैन डू एनी थ्री एंड कीप वन लेफ्ट चार में से कोई भी तीन करो जरूरी नहीं कि मैंने जैसे किया वैसे ही करो आपकी मर्जी आप कैसे भी कर सकते हैं दैट इज यूर चॉइस ही ऑल्सो दिस रेक्टाइंगल एज अ फोर इक्वल पार्ट्स और रेक्टैंगल इज डिवाइड इन फोर इक्वल पार्ट्स एंड यू हैव टू कलर इन थ्री इक्वल पार्ट्स मैंने यहाँ तीन अलग अलग डिजाइन बनाई है आप एक भी बना सकते हैं दैट इज अगेन चॉइस नेक्स्ट एग्जाम्पल वन हियर पर्पजफुली आई ड्रॉ द फिगर्स हाउ मैनी फिगर्स आर हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अभी देखो बच्चों चार में से एक पहले चार में से एक कौन से चार में से एक, एक दो तीन और चार चार में से चार में से तीन सॉरी थ्री बाय फोर्थ था ये थ्री बाय फोर्थ में चार में से तीन तो मैंने कौन से चार लिए एक दो तीन चार चार में से मैंने एक छोड़ा तीन को कलर किया दिस वन दिस वन एंड दिस वन फोर्थ वन इज कीप टेम टी नाउ व्हाट अबाउट ऑदर्स वन टू थ्री एंड फोर आउट ऑफ दैट फोर चार में से तीन हमको लेने थे सो आउट ऑफ फोर आई हैव कल थ्री एंड कीप वन ब्लैंक सो फोर में से एक तो आठ में से दो अब कल कोई बोलेगा सर आउट ऑफ ट्वेल्व वाट थ्री आउट ऑफ सिक्सटीन फोर आउट ऑफ ट्वेंटी इतने हमें खाली छोड़ने बाकी कलर करने हैं फोर में से एक ब्लैंक छोड़ना है फोर में से तीन कलर करने हैं आठ में से छः कलर करने हैं दो खाली छोड़ने हैं ट्वेल्व में से वैसे ही आपको करना है ट्वेल्व में से आपको नौ कलर करने हैं और तीन खाली छोड़ने हैं सो इन दिस वे गो ऑन थ्री बाय फोर मीन्स आउट ऑफ फोर कलर थ्री